में बेकाबू हुए कोरोना के हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर ली है। बैठक में लॉकडाउन समेत बड़े फैसले पर हो सकता है विचार। और कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय का राज्यों को निर्देश, ज्यादा से ज्यादा कोरोना टेस्ट करें राज्य, किसी भी हाल में टेस्टिंग में कमी ना होने दें। सबसे पहले इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट कोरोना के मामलों को लेकर भारत में, अभी भारत में एक्टिव केस 22 लाख के पार पहुंच चुके हैं। दिल्ली में आज कोरोना के 6028 नए केस सामने आए हैं और आज दिल्ली में कोरोना से 31 लोगों की मौत हुई है। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के कितने मामले सामने आए, ओमिक्रॉन को लेकर क्या है नया अलर्ट, कहां कहां लॉकडाउन का दिखा व्यापक असर और वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या। देश भर में कोरोना की रफ्तार बेकाबू है। 24 घंटे में 3,33,533 नए मामले सामने आए। इस दौरान 525 लोगों के संक्रमण से जान भी चली गई। डेली 17.78% पॉजिटिविटी रेट के साथ देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 21,87,205 है। क्योंकि कोरोना बहुत तेजी से हमारे देश में पैर फैला रहा है और अब ये कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो लगातार 3 लाख से ज्यादा मामले हमारे देश में अभी भी बने हुए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे के मुकाबले कम जरूर हुए हैं, लेकिन 3,06,064 मामले इस समय भी हैं। 439 लोगों की मौत हो चुकी है और जो ठीक होने वालों का आंकड़ा है वो आंकड़ा यहाँ पर आपके सामने है 2,43,495। लेकिन लगातार जिस तरह से कोरोना हमारे देश में पैर फैला रहा है वो वाकई डरा देने वाला है।